अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको विजिट करवाते हैं ये पाँच मरला घर, भरिया टाउन में मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये डिवेल ब्लॉक है, घर बने हुए इसके चारों तरफ। ये इसका स्ट्रीट व्यू है, 40 फीट रोड पे ये मौजूद है घर। ये इसके एलिवेशन है, बड़ा खूबसूरत इसके एलिवेशन है। ये इसका डोर है, सिल्वर और ब्लैक कलर में पेंट किया गया। ये रैंप और पोर्च में इसके वाइट कलर में, ब्लैक कलर में डिफरेंट डिजाइनिंग वाली टाइल यूज की गई है। ये इसका पोर्च है, यहाँ पे आपकी एक गाड़ी पार्क हो सकती है। ये राइट साइड पे वॉल डिजाइन की गई है आर्टिफिशियल ग्रेस और इसमें टाइल यूज की गई है। ये इसकी फ्रंट गली है, इसे आप लॉन्ड्री के लिए यूज कर सकते हैं, ओपन एरिया इसका। ये इसका मेन डोर है, ये इस घर में डोर जो यूज हुए हैं सॉलिड लकड़ी में यूज हुए हैं, ये सॉलिड वुडन वर्क में ये तैयार किए गए हैं। ये इसका सीलिंग डिजाइन है, ये आप देख सकते हैं, मिरर यूज हुआ है इसमें, फैन इंस्टॉल है, बड़ा खूबसूरत वर्क हुआ है इसमें। ये ग्लो वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसके ड्राइंग रूम का डोर है, और इस घर में दूसरे घरों से डिफरेंट ये है कि इसका जो वॉशरूम है वो ड्राइंग रूम में दिया गया इस तरह है। ये इसका ड्राइंग रूम है, ये इसके फ्रंट वॉल है, सिंपल इसका ये सीलिंग डिज़ाइन है, ये आप देख सकते हैं, फैन इंस्टॉल है, ग्लोब लगे हुए हैं। और ये हमारे लेफ्ट साइड पे वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है जो सामने से फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। और ये यहाँ पे ड्राइंग रूम में वॉशरूम दिया गया, सिंक कमोड वगैरह इसमें इंस्टॉल है, शावर सेट लगा हुआ है। ये नीचे 2x4 की ये टाइल यूज की गई है, वाइट और ऑफ वाइट डिजाइनिंग में तकरीबन, ये आप देख सकते हैं। ये लिविंग एरिया आ गए, ये पार्टीशन की गई है ड्राइंग रूम की और लिविंग एरिया की, यहाँ पे आप कर्टन लगा के प्रॉपर इसे सेपरेट कर सकते हैं, वुडन वर्क हुआ है इसमें। और ये इसका लिविंग एरिया, लिविंग एरिया में ये टाइल यूज हुई है सेम ड्राइंग रूम की तरह, ये आप देख सकते हैं। ये इसकी लिविंग एरिया की मीडिया वॉल है, वुडन वर्क हुआ है इस पर काफ़ी, ग्लो वगैरह इसमें इंस्टॉल है, सीलिंग डिज़ाइन इसका आप देख सकते हैं, सिंपल है, फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका लिविंग एरिया, ये व्यू है इसका। हम इंटर हुए हैं ये ड्राइंग रूम के डोर से, ये इसका मेन डोर है, लिविंग एरिया में ओपन हो रहा है ये। और ये साथ डबल यूनिट घर है, ये साथ मेन के डोर के साथ डोर दिया गया जो पोर्च की तरफ ओपन हो रहा है, ये स्टेयर्स के सामने आ रहा है जो है लिविंग एरिया से आप देखते हैं तो स्टेयर्स के बिल्कुल सामने इस तरह। नीचे ये लिविंग एरिया के साथ एक बेडरूम दिया गया है, और ये एक किचन है, 2 बेड ऊपर है इसके। ये हम पहले इसका बेडरूम विजिट कर लेते हैं। ये सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है, ये इसकी बैक गली की तरफ ओपन होगी। और ये इसकी बेड साइड की वॉल है, आप देख सकते हैं, बड़ी सिंपल खूबसूरत डिज़ाइन की गई है। ये ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है, फैन इंस्टॉल है यहाँ पे। ये बेड साइड के सामने बिल्कुल ये LED पॉइंट दिया गया है, और ये इसकी कवर्ड स्पेस है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम में आप देख सकते हैं ये डिज़ाइनिंग में टाइल यूज की गई है, डिफरेंट कलर की डिज़ाइनिंग है, इसमें छत तक टाइल इसमें यूज़ की गई है। इसका सीलिंग डिज़ाइन है, सिंक मोड मिरर वगैरह इसमें इंस्टॉल है, शावर सेट लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये वेंटिलेशन की विंडो दी गई है, एग्जास्ट वगैरह इसमें लगा हुआ है। ये हमने रूम विजिट कर लिया हुआ है, ये इसका वॉशरूम है, ये बेड साइड है इसकी, ये साथ वेंटिलेशन की विंडो दी गई जो बैक घर की तरफ ओपन होगी, और इसके सामने ये कबर्ड स्पेस दी गई। ये हम वापस आ गए हैं इसके लिविंग एरिया में। ये इस बेड के साथ बिल्कुल ये किचन दिया गया, ये किचन हम अभी हम विजिट कर लेते हैं। किचन में सेम ये लिविंग एरिया की तरह ड्राइंग रूम की तरह टाइल यूज की गई है, सोलर डोर इसमें यूज हुए हैं पूरे घर में, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज की गई है। ये आप देख सकते हैं बड़ा अच्छा इसका शीट का कलर है, यूवी शीट इसमें यूज हुई है, बर्नर वगैरह, चूल्हा इसमें इंस्टॉल है,
एग्जास्ट फैन लगा हुआ है जिसका सीलिंग डिज़ाइन है, और फैन यहाँ पे लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये फ्रिज के लिए स्पेस दी गई है यहाँ पे इस कबर्ड में। ये इसका किचन है, ये हम वापस आ गए हमारे किचन में। नीचे एक बेड और ये किचन है जो हमने विजिट कर लिया है। ये स्टेयर्स के नीचे अब गैलरी के लिए स्पेस दी गई है, ये काफ़ी बड़ी स्पेस है। ये हम आप इसका फर्स्ट फ्लोर विजिट कर लेते हैं। स्टील स्टेयर्स यूज़ हुई हैं इसमें जो परमंटी तक जाएंगी इसी तरह छत तक। ये ऊपर हम इसके लिविंग एरिया में आ गए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। बड़ा अच्छा कलर कम्बिनेशन है इनके पेंट का, और जो टाइल का कलर है बड़ा अच्छा इसका कलर कम्बिनेशन है। ग्लोब यहाँ पे इंस्टॉल है, बड़ा यूनिक और सिंपल खूबसूरत इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फ़ैन यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका लिविंग एरिया है। ये हमारे लेफ्ट साइड पे ये फ्रंट एलिवेशन वाली साइड का ये बेड है, और ये टेरेस स्पेस है, दो डोर हैं ये इस तरह। और राइट साइड पे ये एक बेड है जो बैक गले की तरफ इसकी विंडो है, और ये किचन है इसका। पहले हम ये बेड विजिट कर लेते हैं। यहाँ पे भी सेम टाइल यूज़ हुई है ग्राउंड फ्लोर की तरह, दो बाय चार के नीचे ये इसकी बेड साइड है। ये आप देख सकते हैं बड़ी खूबसूरत ये डिज़ाइन की गई है। ग्लोब वगैरह इसमें इंस्टॉल है, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। फैन इंस्टॉल है, ये सामने विंडो दी गई वेंटिलेशन के लिए जो इसकी बैक गले की तरफ ओपन होगी, और इसके बिल्कुल सामने ये कबर्ड स्पेस दी गई है, और ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं ग्रे कलर की टाइल लगाई गई है। सिंक कमोड मिरर वगैरह इसमें इंस्टॉल है, शावर सेट लगा हुआ है। ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है इधर, और ये एग्जास्ट इसमें इंस्टॉल है। ये रूम हमने विजिट कर लिया भाई, इसका वॉशरूम है, ये वेंटिलेशन के लिए विंडो है, बैक कलर की तरफ ओपन होगी, ये इसकी बेड साइड है, और ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है। इसके सामने ये कबर्ड स्पेस दी गई है। इस रूम के बिल्कुल साथ ये स्टेयर्स के साथ ये किचन दिया गया है। ये किचन हम विजिट कर लेते हैं। किचन में भी सेम टाइल यूज़ हुई है ग्राउंड फ्लोर की तरह, फर्स्ट फ्लोर की तरह। ये आप देख सकते हैं ये इसकी शीट का डिज़ाइन है, बर्नर वगैरह इसमें, वुडन स्टॉल है, वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है, और सेफ्टी ग्रिल इसमें यूज़ की गई है, और ये एग्जॉस्ट इसमें स्टॉल है। इसकी शीट का और टाइल का कलर कम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत बन रहा है। ये साफ मिरर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं किचन की वॉल में, ये स्टेयर्स के साथ। ये हम वापस इसके लिविंग एरिया में आ गए हुए हैं। ये हमारा अब लेफ्ट साइड पे बेडरूम है, राइट साइड हमने विजिट कर ली हुई है। ये हमने बेडरूम विजिट कर लिया है, और ये किचन विजिट कर लिया हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे ये एक बेडरूम है, और साथ ही टेरेस का डोर है। ये बेडरूम हम विजिट कर लेते हैं। ये सामने विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए जो इसके फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है सामने से, और यहाँ से आप इस रूम से स्ट्रीट व्यू आ रहा है, और ये इस साइड पे ये टेरेस की तरफ ओपन हो रही है, यानी कि टेरेस का व्यू आ रहा है इस बेड से, ये आप देख सकते हैं। ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल हैं, ये इसका सीलिंग डिज़ाइन है सिंपल, और ये फैन यहाँ पे इंस्टॉल है। ये इसका वॉशरूम है, वॉशरूम से पहले ये कवर स्पेस दी गई है। वॉशरूम है, ये इसका वॉशरूम है। वॉशरूम में आप देख सकते हैं ये ग्रे और वाइट कलर की टाइल यूज़ हुई है, तकरीबन ब्लैक कलर का डिज़ाइनिंग है इसमें। मिरर, सिंक, कमोड, शावर सेट इसमें इंस्टॉल है। वेंटिलेशन के लिए स्पेस दी गई है, और एग्जॉस्ट इंस्टॉल है इधर। ये वॉशरूम है इसका, ये वॉशरूम से पहले ये कवर स्पेस दी गई है। ये इसकी बैक साइड की वॉल है, ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है, और ये वेंटिलेशन के लिए विंडो दी गई है जो सामने फ्रंट गली की तरफ ओपन होगी। हम वापस आ गए लिविंग एरिया में, इसके साथ ही टेरेस का डोर है। टेरेस में आप देख सकते हैं पोर्च की तरह ये टाइल यूज़ की गई है सेम डिज़ाइनिंग में। ये विंडो है इसकी टेरेस पे, जो ये अभी हमने बेडरूम से अंदर से विजिट की है इस तरह ही,
और ये ग्लोब वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है, ये इसका टेरेस का डिज़ाइन है। ऊपर जो विंडो दी गई है वो ममटी की तरफ, ममटी में ओपन होगी, जो सामने फ्रंट एलिवेशन में ऐड हो रही है। ये विंडो अंदर से स्टेयर्स के सामने आ रही है, ये सामने से ये फ्रंट एलिवेशन में ऐड होगी, टेरेस की तरफ ओपन है ये। हम वापस इसके लिविंग एरिया में आ गए हुए हैं। ये स्टेयर्स जाएंगे ऊपर ममटी पे, ये छत पे। ये ऊपर हम इसकी ममटी पे आ गए हुए हैं। ये विंडो देखिए सामने ममटी पे, जो हमने अभी टेरेस से विजिट की है। ये ममटी में छोटा वॉशरूम दिया गया है, सर्वेंट वॉशरूम में सिंक कमोड वगैरह इसमें इंस्टॉल है। ये हम इसकी छत पे आ गए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं ब्लैक ड्वेल ब्लॉक है ये। जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड हो, इस घर में हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और इस घर की डिमांड कर रहे हैं ये 2-10, तो जो दोस्त या क्लाइंट इसमें इंटरेस्टेड हो, हमारा नंबर स्क्रीन पर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हम इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।